अब मामला सिर्फ दो भाइयों के बीच है, मैं और तुम छोटे भाई, तीसरा कोई नहीं। निकलते हुए सोचा नहीं था कि शैतान जिन से हमारी मुलाकात हो जाएगी, पर हमें कुछ साफ साफ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? होना हुआ कि वही जिन है जिसने बगदाद को तबाह कर दिया है, आज हम इसे पकड़ के लेंगे। इन नागफनी कांटों ने मेरी जादुई ताकतों को कमजोर कर दिया है, अब मेरा किसी भी इंसान के सामने गायब होना मुश्किल है। इन जहरीले कांटों की वजह से इस जिन को नशा हो गया, जिसकी वजह से इसे नींद आ रही है। आज हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। नकचड़ी, क्या ये वही जिन है? हाँ नकचड़ी, और इसके पास मेरा चिराग है। चिराग? पर कैसे चिराग? उस समय तुम्हें बाद में बताऊंगा, फिलहाल इसे पकड़ो। अगर ये चिराग लेकर चला गया तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। इसे बहुत सारे कांटे लगे, वो ज्यादा देर होश में नहीं रहेगा। हमारे पास वक्त नहीं। मैं मंजिल के इतना करीब होकर हार नहीं सकता, बस कुछ लम्हे और फिर मैं अपनी मंजिल के करीब पहुंच जाऊंगा। अलादीन, तुम्हारा कालीन कहाँ है?
जिनू! जिनू! या अल्लाह, चोर बनी थे मैंने, जितने भी चोरियां की है उन सब की सजा है। मुझसे मेरा दिल, मेरी जिंदगी, मेरा भाई जिनू छीन लिया गया। जिनू तुम कहाँ हो? जिनू, जिनू, जिनू। उस दिन अलादीन ने हमसे इतनी बदतमीजी से बात की और सिपाहियों को भी चकमा देकर भाग निकला, और उसके बाद वो हमसे माफी मांगने तक नहीं आया। कहीं वो ये सब जानबूझ के तो नहीं कर रहा है, या फिर वो सोच रहा है कि उसके ऐसा करने से हम उसकी तरफ खिंचे चले जाएंगे। बेचारा अलादीन, वो जानता नहीं कि ये खेल तो हम बचपन में खेलते थे, लेकिन अब हम उसे बताएंगे कि मेहर से गुस्ताखी करने का क्या अंजाम होता है। कालेजो, तुम कब से शेख जिनू को ढूंढ रहे हो? और तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि शेख जिनू कहाँ है? तुम कहाँ जाओगे, उन्हें कहाँ ढूंढोगे? अगर मुझे जमीन के आखिरी कोने तक भी जाना पड़े तो मैं जाऊंगा नक्चड़ी, क्योंकि जिनू मेरी जिंदगी है। तुम साफ साफ कहो, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है काले चोर। मैं तुम्हें सच नहीं बता सकता नक्चड़ी, और तुमसे झूठ बोल नहीं सकता। बस इतना समझ लो कि मेरे भाई की जान खतरे में और मेरे पास वक्त नहीं है। लेकिन तुम उन्हें कहाँ ढूंढोगे? नहीं पता, पर मेरा जिनू को ढूंढना जरूरी है और मुझे उसे ढूंढना ही होगा। कसम सोने की शर्फियों की, आज यहाँ हुस्न भी है, जाम भी है और इश्क भी है। बेगम, हुस्न में ये जाम, भैंस तुम। मेरा मतलब है बेगम, इश्क कहाँ है? वो माचिस की जली हुई तीली के मुंह वाले आदमी, चुपचाप रुखसार की हार का जश्न मनाओ और मेरे पैर दबाओ। एक जाम रुखसार की हार के नाम। ओ जहर से महरूम नागिन, कसम सोने की अशर्फियों की, ये बांसुरी की आवाज है, बीन की नहीं। लेकिन बेगम, ये बांसुरी की आवाज आ कहां से रही है? कहीं जिन तो नहीं आ गया? जिन, जिन, ए जिन, तू बड़ा तिलस्मी है, तेरे पास जादू है, तेरे पास ताकत है, मेरे पास, मेरे पास, मेरे पास कौवे के पंख जैसे इस शौहर के अलावा और कुछ नहीं है। तू एक काम कर, इसे ले जा, मुझे बख्श दे। बहुत अच्छे कौवे के पंख, क्या कहो बेगम? जिसने जो करो, देखो जिना रहा है, जिना रहा है। गुलबदन, कसम सोने की अशर्फियों की, मेरी जिगर के टुकड़े, तो ये बांसुरी क्यों बजा रहा है? अम्मी, ये बांसुरी ना मुझे बाहर पड़ी हुई मिली थी, तो मैंने कहा बजा लूं। तू भी तो पड़ा हुआ मिला था, तुझे बजाना शुरू करो। अबू, जा। बहुत अच्छा किया बेगम, रुखसार की वजह से इस बांसुरी की आवाज सुन के दिल में खौफ की लहर दौड़ने लगती है बेगम। मनहूस आदमी, तुम्हारे जिस्म में वैसे भी खून से ज्यादा खौफ दौड़ता है,
खौफ तो अब मैं बताऊंगी। कसम सोने की अशर्फियों की, रुखसार को यह गलत फहमी है कि नाजनीन की धार कमजोर हो गई है। लगता है अब पुरानी नाजनीन को वापस लाने का वक्त आ ही गया। पता नहीं ऐसा क्या राज है जो अलादीन हमसे छुपा रहा है, पर हमें इतना जरूर पता है कि जो कुछ भी है बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि हमने आज तक अलादीन को इतना परेशान कभी नहीं देखा। हम उसे ऐसे ही छोड़कर महल में आराम से नहीं बैठ सकते। हम उसे ना बोले लेकिन हम जानते हैं उसे हमारी जरूरत है। हमारे अलादीन, तुम चाहो या ना चाहो लेकिन हम हमेशा तुम्हारा साथ देंगे। सुबह सवेरे आसमान में सूरज एक निकलता है, पर सूरज को भी फीका कर दे जब जोर शोर से ये चलता है। बोलो क्या? एक और पहेली। हमारा और तुम्हारे इस पहेली का सिलसिला खत्म करना ही होगा। इस पहेली का जवाब है जादुई चिराग। इंतजार जितना लंबा था दीदार उतना ही खूबसूरत है। Thank you.
क्या हुक्म है मेरे आका? तुम चिराग के जिन हो? आका, मैं आपके कदमों में लेकर आया हूं दुनिया का सबसे ताकतवर जिन, जो आपके एक इशारे पर चुटकी बजाते ही बड़े से बड़े पहाड़ को चूर चूर कर सकता है, दुनिया की बड़ी से बड़ी फौज को तबाह और बर्बाद कर सकता है, खून के दरिया बहा सकता है। ये ताकत का समंदर है तो हिम्मत का पहाड़ है, ये है चिराग का जिन। हमारे नए आका हैं, मुआफी मांगो वजीरे आला से। वजीरे आला? या अल्लाह, कपड़े का दिल का काला वजीरे आला, आप उछड़े। ये तो हमें पहले से पहचानता है। रिश्ता नया पहचान पुरानी। बहरहाल हम तुम्हें एक बात बताएं, बरसों से हमने एक ही ख्वाब देखा है कि तुम हमारे गुलाम हो, लेकिन उस ख्वाब में ऐसे न थे। चिराग के जिन, हम चाहते हैं कि तुम हमें अपनी ताकत का एक नमूना दिखाओ। मुझे यकीन है आका अलादीन नाम तो सुना होगा, मुझे वापस लेने जल्दी आएगा। तब तक चुपचाप इस मुच्छड़ का हुक्म मान लेता हूँ, फिर इसकी असलियत भी सबके सामने आ जाएगी। हम चाहते हैं कि तुम हमें अपनी जादुई ताकत का नमूना दिखाओ। जादुई ताकत का नमूना? हम चाहते हैं कि तुम हमें बगदाद के तख्त पर बिठाओ। बगदाद के तख्त पे? आका, अगर बादशाह सलामत इस वक्त तख्त पर बैठे होंगे तो आप उनकी गोद में अच्छे नहीं लगेंगे। अपने औकात मत भूल लंगूठी के जिन। खामोश कराओ इसे। चुप कराओ इसे। जो हुक्म मेरे आका। आते बाते दही चटाके, जादू वाले चले पटाके, अंधेरा है गुप, अंगूठी का जिन हो जाए चुप।
बेहतरीन। अल्लाह अल्लाह बीबी, जा गई गरीबी। मेरा जादू पहली बार में ही चल गया। हुक्म जफर सरकार का सवाल नहीं, इनकार का। हम चाहते हैं कि तुम हमें तख्त पर बिठाओ।